भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पश्चिम मंडल के तहत देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से 1 जुलाई से 20 जुलाई तक निशुल्क नेत्र उपचार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर करीब 120 शिविर लगाए जाएंगे। निशुल्क नेत्र जांच, मोतियाबिंद सर्जरी तथा चश्मे का वितरण नागरिकों को किया जाएगा। ऐसी जानकारी भाजपा के किशोर वानखेड़े द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में निशुल्क नेत्र उपचार शिविर का आयोजन किया गया। निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों की आंखों की जांच, चश्मे का वितरण और सर्जरी की जाएगी। हमें उम्मीद है कि पिछले कई शिविरों की तरह इस शिविर में भी बड़ी संख्या में भाग लेने से लोग लाभान्वित होंगे। जीव भावे शिव सेवा शिविर 1 जुलाई से 20 जुलाई तक निर्वाचन क्षेत्र के 120 स्थानों पर बूथ स्तर पर चलेगा। शिविर में 23 व 24 जुलाई को चश्मे का वितरण किया जाएगा। इस दौरान सर्जरी का भी नियोजन किया गया है। ऐसी जानकारी किशोर वानखेड़े द्वारा दी गई। या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी आम्ही 120 कॅम्प लावत आहे। नागरिकांचे डोळे तपासणी आणि त्यांना गरज पडली ऑपरेशन करण्याची ते सुद्धा आम्ही मोफत मध्ये करणार आहोत। 120 कॅम्प आम्ही आमचं 3 बूथ म्हणून एक शक्ती प्रमुख असते, त्यामुळे 120 ठिकाणी आम्ही ते कॅम्प लावणार आहे। कॅम्प झाल्यानंतर 22 म्हणजे जसा जसा ज्या ज्या ठिकाणी कॅम्प होईल त्याचे आम्ही फॉर्मेट बनवलं आहे। डॉक्टर जसं फॉर्मेट असते तिथेच तपास झाल्यानंतर ज्यांना ऑपरेशनची गरज आहे त्यांचे नाव वेगळे काढून त्यांना ऑपरेशनच्या ठिकाणी आम्ही त्यांना पाठवणार आहोत। 80% समाजकारण और 20% राजनीति के साथ हम लगातार अंत तक पहुंचने और समाज में अंतिम जरूरतमंद तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा भी इस दौरान किशोर वानखेड़े द्वारा बताया गया। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मुहुड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।